तो माधुरी जासूसी कांड का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज इस मामले में जम्मू की एक डॉक्टर दंपत्ति का नाम भी सामने आया। इनके यहां माधुरी गुप्ता पिछले 2 महीने रुकी थी। माधुरी यहां इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर के रास्ते खुद ड्राइव करके पहुंची थी। खुफिया एजेंसी की टीम ने डॉक्टर पति पत्नी से पूछताछ की है। वैसे डॉक्टर दंपत्ति ने माधुरी से किसी भी तरह की जान पहचान होने से इनकार किया है। माधुरी गुप्ता जासूसी कांड की परतें एक के बाद एक खुल रही हैं और सामने आ रही है इससे जुड़ी कड़ियां। कहानी एक किरदार से शुरू हुई लेकिन अब धीरे धीरे माधुरी से ताल्लुक रखने वाले कई लोग शक के घेरे में आ रहे हैं। इस्लामाबाद में हनी ट्रैप के खुलासे के बाद अब माधुरी के पिछले दिनों की हर गतिविधि जांच के दायरे में है। इस कड़ी में ताज़ा खुलासा हुआ है जम्मू से, जहां महज 1 महीने पहले माधुरी गुप्ता आई थी। 29 मार्च को खुद कार चलाते हुए माधुरी इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर के रास्ते राजौरी पहुंची थी। दबंग शख्सियत की माधुरी के लिए अकेले लंबे ड्राइव पर निकलना कोई नई बात नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक इधर दिल्ली से माधुरी की एक दोस्त प्रेमलता भी राजौरी पहुंची और वहां से दोनों सुंदरबनी के लिए निकल गयी। यहां माधुरी ने एक डॉक्टर दंपति से मुलाकात की और 2 दिनों तक वहां रुकी थी। दरअसल कहानी का पेच भी इसी मुलाकात में है। ये वही डॉक्टर दंपति है जो पहले भी जासूसी कांड में शक के घेरे में आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर दंपति से माधुरी की पहली मुलाकात 25 साल पहले तब हुई थी जब दोनों पति पत्नी जम्मू श्रीनगर हाईवे पर स्थित रामबन में तैनात थे। वैसे डॉक्टर दंपति माधुरी से अपनी जान पहचान से इनकार कर रहे हैं। इनकी दलील है कि इन्होंने माधुरी की दोस्त प्रेमलता के कहने पर उन्हें अपने घर में रहने दिया। डॉक्टर दंपति का ये भी कहना है कि पिछले 25 सालों में माधुरी से उनका कोई संपर्क नहीं था और ना वो कभी पाकिस्तान गए हैं। ये हमारे पास मिलने के लिए जो आई है 1 महीना पहले आई है। उससे पहले ये माधुरी गुप्ता हमें 25 साल पहले अंदाजन मिली थी जब हम थी वहाँ पे। ये श्रीनगर गई थी और जाते हुए ये रास्ते में हमारे पास 1 दिन रुकी थी। इस बीच माधुरी स्पाइस स्कैंडल में शक के घेरे में आई डॉक्टर दंपति से पूछताछ के लिए खुफिया एजेंसी की एक टीम जम्मू पहुंच गई है। 7 सदस्यों वाली ये टीम सुंदरबनी जाकर डॉक्टर और उनकी पत्नी से माधुरी गुप्ता के संपर्कों की छानबीन करेगी। हम आपको बता दें कि डॉक्टर दंपति से मेलजोल रखने वाला एक सेना का अधिकारी भी जांच के घेरे में आ गया है। ब्रिगेडियर रैंक के इस अधिकारी से बीती रात पूछताछ हुई है। माधुरी जासूसी कांड के इस नेटवर्क के किरदार भी सामने आ रहे हैं और नए सवाल भी उठ रहे हैं। माधुरी के जम्मू दौरे का मकसद क्या था? क्या वो सरहद से जुड़ी जानकारियां जुटाने आई थी? डॉक्टर दंपति से उनकी दोस्ती का सच क्या है? प्रेमलता की इसमें क्या भूमिका है? पहले इस्लामाबाद में हनी ट्रैप का खुलासा और फिर भारत में माधुरी के संदिग्ध लोगों के साथ रिश्ते, इस खुलासे में नए नए मोड़ आ रहे हैं। एक बात तय है कि माधुरी गुप्ता ने गद्दारी की साजिश में अच्छा खासा नेटवर्क तैयार कर लिया था। डॉक्टर दंपति का कहना है कि उनका इस एस्पियोनेज केस से कुछ भी लेना देना नहीं है और ना तो वो पाकिस्तान कभी गए हैं, ना तो उन्होंने माधुरी गुप्ता को ईमेल किया, ना तो भेजा ना लिया है और ना उन्होंने उनके साथ कभी बात की है। अश्विनी कुमार, सुंदरबनी, जम्मू, आज तक।